नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आप सभी का दैनिक राशिफल। बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल बस कुछ आसान से उपायों के साथ। उसके लिए बस आपको हमारे स्टूडियो नंबर्स पर कॉल करना होगा जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। तो दर्शकों, कॉल करने के बाद बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो बस देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका दैनिक राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज किए जाने वाले सूर्य सप्तमी व्रत के महत्व के बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, भगवान सूर्य की सप्तमी है आज। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज वर्किंग एरिया में किसी चेंज के कारण आपके मन में थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। घबराइएगा मत, क्योंकि बहुत जल्दी जो सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो आपके फेवर में होने वाली, तो नथिंग टू वरी। और मान के चलिए कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में, आपके करियर में, वो आपके फेवर में है। और उन चेंजेस का दिल खोलकर मन से उसका राजी खुशी स्वागत कीजिए। सेहत का ध्यान रखिए। आज के दिन की सफलता के लिए मंदिर में दूध का दान कीजिएगा, दान करने से पुण्य मिलता है। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, खुद के लिए अच्छा सोचिएगा, आंखें खोलकर एक नए दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी बहुत सारी जो प्लानिंग्स हैं, जो आपकी जो योजनाएं हैं, That will be fulfilled, पूरी होगी। हाँ, ध्यान रखिएगा, यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी को आप उधार दे रहे हैं, यानी फाइनेंशियल किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिएगा, सलाह कर लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में जाइएगा, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है मिथुन राशि। इस बार पर आज आपको जरूरी तौर पर ध्यान देना है कि आपको कब क्या कहना है और कब बिल्कुल चुप रहना है। कैलकुलेटिव होनी चाहिए वाणी, जीवा जो है, दैट शुड बी वेरी कैलकुलेटिव। जितनी जरूरत हो उतना बोलो, ये वो लंबी जुबान जो है वो कई बार घातक हो जाती है। वो बड़े कमेंट्स भी आते हैं, जिन लोगों की लंबी जुबान होती है वो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यू शुड बी वेरी कैलकुलेटिव कि आपको कब क्या बोलना है, कब चुप रहना है। और जो भी कठिन विषय हैं या जो चिंता के पक्ष हैं, उनके ऊपर फिलहाल कोई चर्चा करनी ही नहीं। आज के दिन की सफलता के लिए बच्चों को या छोटी कन्या को एक समय का भोजन करवा दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, नेत्री जी हैं मथुरा से। पंडित जी, इनकी जन्म की जो तारीख है वो इन्हें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि 1970 में इनका जन्म हुआ था राधा अष्टमी के दिन भादो मास में। और इनके जन्म का जो समय है पंडित जी, वो है सुबह का 7:05 का। नेत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं जीवन में बहुत परेशानी उठाई है, मतलब बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है, अब किराए के मकान में रहने की कमी इतनी नहीं है कि घर का कुछ बना सके, घर का मकान बन पाएगा नहीं बन पाएगा। 101% जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हो और जिसके ऊपर माँ राधा का आशीर्वाद हो। परीक्षा तो राम जी ने भी 14 साल की दी, भगवान कृष्ण ने भी दी।
राधा मैया ने भी दी, सब ने परीक्षाएं दी, तो हम तो मनुष्य हैं। अगर हम परीक्षा दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो ये भी सब उसकी मेहरबानी है। सन 2017-2018 आपके जीवन का एक टर्निंग ईयर साबित हो सकता है। आपके खुद का मकान भी आपको मिलेगा और आने वाला जो समय है 2017 मई जून के पश्चात का जो समय है वो आपके लिए फेवर वाला समय है। भगवान श्री कृष्ण के साथ में, माँ राधा मैया की आराधना के साथ में एक काम आपको और करना है, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ सरसों के तेल का दीपक लगा कर करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बहुत जल्दी आपका, आपके कष्टों से आपको मुक्ति मिलने वाली है और आपके घर का मकान और सब चीज़ें जो हैं वो आपके ज़िंदगी में सौभाग्य का उदय होने वाला है मई जून के पश्चात में। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। पंडित जी, के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजेंद्र जी हैं बीकानेर से। इनके जन्म की तारीख है 17/9/1965 और इनके जन्म का समय है सुबह का 3:50 का। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय माता की। जी राजेंद्र, काफी समय बाद बातचीत हो पा रही है। आपका हमारा समय का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं तो मॉर्निंग भरोसा, मुझे पता नहीं कि ये 9:30-9 प्रोग्राम शुरू कर दिया। नहीं नहीं, वो तो उसी अगले दिन से ही 9:30 शुरू हो गया था, पर अब शायद आपका कम्युनिकेशन रह गया होगा। कैसे हैं आप? हाँ जी, बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ। जी जी, बताए। मैं खानी बाग हूँ। हेलो जी, क्या कह रहे हैं? अभी खान विभाग में हूँ मैं जी, और जब से यहाँ गया हूँ करीब 1.5 साल हो गया है, तो यहाँ परिस्थितियाँ किसी भी तरह से अनुकूल नहीं है। ना तो परिस्थितियाँ सही हो पा रही है, ना यहाँ से ट्रांस हो रहा है। तो एक तो यहाँ परिस्थितियाँ सही, इसके लिए क्या करूँ? दूसरा, ट्रांसफर कब तक पॉसिबल हो पाएगा? देखिए राजेंद्र जी, आपको 19 साल की शनि की महादशा शुरू हुई मार्च 2016 में। शनि आपकी जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर बैठा है। कहते हैं कि कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम तो नहीं देती, लेकिन खराब परिणाम भी नहीं देती। अभी आपको शनि की महादशा, शनि का अंतर और उसमें भी बुध का प्रत्यंतर चल रहा है। फिलहाल अभी जो आपके ट्रांसफर का योग अप्रैल तक तो नहीं है, अप्रैल के पश्चात में, 19 अप्रैल 2017 के पश्चात में जब शनि में शुक्र आएगा, तब आपके स्थान परिवर्तन का योग बनता है। अक्टूबर से पहले पहले अप्रैल के पश्चात, यानी मई से अक्टूबर के महीने के बीच में आपको निश्चित तौर पे मनचाही जगह पे आपका स्थानांतर हो सकता है। आपकी जन्म कुंडली में जो शनि है वो वक्री है, वक्री मतलब टेढ़ा चलने वाला। तो नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना शनिवार को संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। जन्म कुंडली आपकी बेहद अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय अच्छा मिलेगा आगे और जीवन में सुख शांति समृद्धि हर चीज़ का वास रहेगा। हनुमान जी की आराधना, चूँकि आपके केरियर हाउस का जो स्वामी है वो भी मंगल है और सम राशि पे बैठा हुआ है, सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हुआ है, पर मुझे लगता है कि अप्रैल के पश्चात में देर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। और माता रानी का जो नवान मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, उसका जाप हमेशा करते रहें। और बगलामुखी मंत्र का जाप मैंने आपको बता रखा है, वो भी आप करते रहें। और सप्ताह में एक बार शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करते रहे, बहुत जल्दी मनचाही जगह पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, तारा सिंह जी हैं जैसलमेर से। इनके जन्म की तारीख है 10/11/1977 और इनके जन्म का समय है 7:00 PM के आसपास का। तारा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। मुझे प्रणाम, शुभ आशीर्वाद बेटा। जी पंडित जी, मैं जैसलमेर में तारा सिंह बोल रहा हूँ, मेरे कोई जनरल स्टोर खोलने हैं, तो उसके बारे में पार्टनरशिप में हम खोल रहे हैं। फॉर्म खोल रहे हैं आप? जी, किराना स्टोर खोल रहे हैं, जनरल स्टोर खोल रहे हैं। जनरल स्टोर, अच्छा, तो पार्टनर कौन है? जी धन सिंह जी नाम से है कोई। क्या नाम बताया? धन सिंह जी। धन सिंह जी, ठीक है। देखो तारा सिंह जी, निश्चित तौर पे आप अगर इस तरह का काम करना चाहते हैं, प्रोविज़न स्टोर, जनरल स्टोर, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो अभी फिलहाल कुछ समय से शनि की महादशा राहु का अंतर चल रहा है। ये राहु का अंतर इस वर्ष के अंत तक खत्म होगा, उसके बाद आपके जीवन का बेहतरीन समय शुरू होगा। क्योंकि आपके कैरियर हाउस का भाग्य स्थान का जो स्वामी है और आपके कैरियर हाउस का जो स्वामी शनि, वो शत्रु राशि पे बैठा है, तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें, छल्ला जो है वो खुला हुआ नहीं हो। बोलते नाम से तारा सिंह आपकी बोलते नाम से जो तुला राशि है उसके ऊपर 7.5 साल की शनि की 7.5 इस वर्ष खत्म हो गई है। 2017 एक प्लेटफॉर्म देगा, इसमें भी कोई दोराय नहीं, मेहनत कीजिएगा, खोलिए आप पार्टनरशिप में, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आपको कहूँ तो पार्टनरशिप आपको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती है। तो जो भी चीज़ हो, कामकाज जो भी करेंगे वो कागजी लिखा पढ़त करके करेंगे, सिर्फ वाणी से नहीं कि आपके और हमारे बीच में प्रॉमिस हो गया कि अपन ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो पार्टनरशिप में जो भी काम करेंगे लिख पढ़ के करेंगे, ताकि भविष्य में कभी किसी विवाद की स्थिति में कम से कम संबंध नहीं बिगड़े। और नियमित रूप से आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सूर्य भगवान को आज से ही, आज सूर्य सप्तमी का दिन है, आज से नियम मान लो, यदि आप जीवन में धन का सुख चाहते हो, जमीन जायदाद गाड़ी बंगले का सुख चाहते हो, यश मान वैभव चाहते हो, तो आज से आपको सूर्य आराधना करनी है, नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, गायत्री मंत्र का नियमित रूप से सूर्य भगवान के खड़े हो के सामने खड़े होकर जाप करना है। तो चलिए दर्शकों, बिगड़ा आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज रोजगार नौकरी के मामले में किसी से सलाह कर लीजिएगा, लाभ होगा। पार्टनरशिप में यदि कोई काम कर रहे हैं तो दैट डिसीजन शुड बी इन योर फेवर। और कोई भी एक्स्ट्रा काम हाथ में लेने से पहले इस बात को जरूर में ध्यान रखना कि जो रेगुलर जो काम है उनको भी आज फिनिश करना है। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी की माला भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पण कर दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है सिंह राशि, आने वाले समय में कई एक नई शुरुआत का समय होने वाला है। तो जब कोई एक नई चीज़ की शुरुआत होती है तो पुराने रिश्ते, पुरानी नौकरी का चले जाना, ये सब एक नॉर्मल चीज़ है। नए रिश्तों का आगमन, नई नौकरी, नए व्यवसाय का आरंभ होना, ये इस तरह की शुभ घटनाएं घटित हो सकती है। तो कोई भी जब पुरानी चीज़ टूटती है, पुराना रिश्ता भी अगर टूटता है तो मन में तनाव आता है, उस तनाव से आज बचने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। अगली जो राशि वो कुंभ राशि, कन्या राशि है, माफ़ कीजिएगा, कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनको आप ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा और जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभाइएगा। और जब आप किसी काम को मन से करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको खुशी मिलती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है और बड़ों का आशीर्वाद भी मिलता है। फ्यूचर को लेकर आप परेशान मत होइए। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को गुड़ खिला दीजिएगा। तो दर्शकों, फिलहाल के वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आपका ही मचाएगा, जल्द वापस लौटते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।